वाह मज़ेदार है यार, एकदम एकदम झक्कास जो है, मतलब ब्रेकिंग भी ऑसम है, क्या ही बताऊँ मैं आपको गाइस। मेरा दिल आ गया स्कूटी पे यार, स्कूटी पे मेरा दिल आ गया। ओ भाई साहब, ओपी भाई ओपी, मुझे लगता है मुझे यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो है साकिब भाई ने एक नई स्कूटी ली है और आज हम स्कूटी पे राइड करने वाले हैं। उस स्कूटी का जो है एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ स्कूटी। स्कूटी ये सुजुकी की है, एक्सेस 125 भाई साहब। और ये राइड कनेक्ट एडिशन जो है इसमें दिया गया है, मतलब इसमें सॉकेट वगैरह भी दिए गए हैं, जो मतलब जिससे फ़ोन वगैरह चार्ज हो जाए आपका। और यहाँ पे एक पॉकेट जो है डैशबोर्ड पॉकेट वो दिया गया है। तो हम इस स्कूटी का जो है एक्सपीरियंस लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। गाइस हमारी राइड जो है स्टार्ट होने वाली है। ये स्कूटी पे मैं बैठ चुका हूँ और ये मैंने इसकी चाबी ऑन ही है इसकी फ़िलहाल तो। ओके गाइस, स्टैंड मैंने निकाल दिया है, तो चलो चलते हैं हम अपनी राइड पे। और वल्ला मतलब जो एक्टिवा है स्कूटी, उससे थोड़ा अच्छा फील आ रहा है इस पर। और एक्टिवा का थोड़ा हैंडल चौड़ा होता है, इसका हैंडल उतना चौड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कंफर्ट कंफर्ट आया स्कूटी पे। मतलब रोड कंफर्ट बहुत बेहतर है और जंप में वल्ला पता ही नहीं चला कि मतलब ये खड्डा जो हमने क्रॉस कर लिया हुआ है। और इसमें स्पीड भी वल्ला बहुत भयानक है और ब्रेकिंग भी अच्छी है तकरीबन इसकी। वाव, अब आती बार जो है पता चलेगा कि मतलब जो चढ़ाई में है किस तरह का एक्सपीरियंस ये हमें देती है। तो स्कूटी बहुत ही अच्छी है यार, मतलब डिज़ाइनिंग भी इसकी अच्छी की गई है कंपनी के द्वारा और कलर भी अच्छा है ब्लू। वाह देखो, मेरे सामने चीड़ी उड़ रही थी, कितनी प्यारी सी चीड़ी थी। गाइस ये एरिया जो है ना, ये मोमिनाबाद कहा जाता है इसे। देखो देखो यहाँ से कितनी खूबसूरती जो है दिखाई देती है, मतलब कितना खूबसूरत यहाँ से दिखता है। गाइस अभी मैंने जस्ट ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक ब्रेकफास्ट किया था, तो वाह मज़ेदार है यार, एकदम झक्कास जो है, मतलब ब्रेकिंग भी ऑसम है, क्या ही बताऊं मैं आपको गाइस। मेरा दिल आ गया स्कूटी पे यार, स्कूटी पे मेरा दिल आ गया। ओ भाई साहब, ओपी भाई ओपी, मुझे लगता है मुझे यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा, ये ज़्यादा दूर ना हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है सिर्फ इसकी राइड एक्सपीरियंस लेने के लिए आया था और मुझे मतलब बहुत ही बेहतर लगी। अब माइलेज का मुझे नहीं पता कि स्कूटी की माइलेज वगैरह क्या है, क्या माइलेज ये देती होगी। भाई साहब मैंने सोचा था कि बिना लात नीचे रखे जो है कट मार लूँगा, मैं यू टर्न ले लूँगा, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। चलो गाइस, माइलेज वगैरह का मुझे नहीं पता कि इसकी माइलेज किस तरह की है, क्या है, लेकिन स्कूटी का जो दम है ना गाइस, बहुत ही भयानक है। मतलब मैंने एक्टिवा 5G चलाई थी, जनरेशन 5 वाली, तो मतलब इस तरह की खिंचाई उसमें नहीं थी। हालांकि 6 महीने अगर उस एक्टिवा स्कूटी को हो जाते हैं जनरेशन 5 को, तो इस तरह की खिंचाई उसकी नहीं होती है, लेकिन इस स्कूटी को जो है इतने 6 महीने तकरीबन होने वाले हैं, तो इस स्कूटी की खिंचाई में ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। और सर्विस जो है मुझे नहीं लगता अभी भी इसकी इसको ज़रूरत है सर्विस करवाने की, मतलब क्या ही भयानक एक्सपीरियंस है गाइस। और खिंचाई भी बहुत ऑसम है इसकी, बहुत ही उम्दा जिसे कहते हैं। तो गाइस क्या ही बताऊँ यार, ओपी है यार। अभी 56 जो है चढ़ाई में मतलब चढ़ रही थी और थोड़ी स्लो कर दी मैंने, यहाँ पे थोड़ा खड्डा है भाई साहब यहाँ पे ना। यार मेरे को स्कूटी पे जो है ना विली मारनी नहीं आती है, कहीं मेरा कज़न तो नहीं देख रहा। गाइस यहाँ से हम ऊपर को चले,
वहाँ पे जो है अपना घर आता है, लेकिन हम वहाँ नहीं गए। तो अब स्कूटी छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा, वो दिल कर रहा है इसका तेल सारा उड़ा दूँ, ख़त्म कर दूँ। माय गॉड, क्या ही बताऊँ मैं यार, इतना मस्त एक्सपीरियंस है यार। गाइस यहाँ पे देखो, ओ वल्ला क्या ही बताऊँ मैं गाइस, मतलब ओपी एक्सपीरियंस। यहाँ से मैं यू टर्न ले लूँगा यार, मतलब स्कूटी को जहाँ मर्जी ले जाओ आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आपको आपकी डेस्टिनी पे पहुँचा देगी। लेकिन अपन का काम तमाम होने वाला था गाइस। अपन ने जो है ब्रेक लगा दी थी और वहाँ पे रुक गई थी। गाइस ये एक मोहल्ला है, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ ये एंडिंग मोहल्ला है। तो भाई साहब स्कूटी जो है बहुत ऑसम है यार, एक्सपीरियंस इसका बहुत बेहतर रहा। अब कुछ लोग कहते हैं कि एक्सेस 125 से बेहतर जो है एंटॉर्क है। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तक एंटॉर्क नहीं चलाई थी एक बार, लेकिन वो पुरानी वाला जो पहले वाला जो मॉडल था एंटॉर्क का वो चलाया था। तो इस जो न्यू जनरेशन वाली एंटॉर्क है, मतलब जो न्यू मॉडल एंटॉर्क है उसमें और इसमें, इसका अगर कंपेरिज़न करें तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि कौन सी वाली स्कूटी जो है बेहतर है। वाओ गाइस देखो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। ओ भाई साहब गाइस देखो यहाँ से कितना खूबसूरत जो है सामने वाला नज़ारा है, मतलब ओपी मज़े वाला, क्या ही बताऊँ मैं गाइस। गाइस स्कूटी का एक्सपीरियंस जो है बहुत बेहतर रहा, मुझे लगता है वापस जाना चाहिए। और सर नहीं तो मेरे जो कज़न ब्रदर हैं उनको भी थोड़ा मुझे लगता है शक होने लगा है कि भाई साहब ने स्कूटी छोड़नी नहीं है, भाई साहब को स्कूटी बहुत पसंद आ गई है, मेरा तेल जो है उन्होंने उड़ा देना है। और मुझे लगता है मेरा व्लॉग जब वो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मेरा भाई क्या सोच रहा था मेरे बारे में, क्या 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 जो है बकवास कर रहा था। तो गाइस भाई साहब अगर आप इस व्लॉग को देख रहे हैं, आप जो है वो आप बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, आपको कसम है। तो मैं अपना व्लॉग जो है आगे का कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आज जो है मुझे ऑफिस जाना है, कॉलेज नहीं जा सकता क्योंकि आज संडे है और संडे ऑफ होता है। तो मैं मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिस व्लॉग विल बी कंटिन्यूड।